सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी में एक महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी व्याकरण का रस। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद, और उसी आनंद के साथ आज इस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं। रस क्या है, रस के प्रकार और भेद, साथ ही उसके उदाहरण सहित संपूर्ण अध्ययन करेंगे, जिससे आपको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि रस का अर्थ ही होता है आनंद, तो हम आज मस्ती के साथ इस टॉपिक को पढ़ेंगे। और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको यह टॉपिक दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले लाल वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि हर नोटिफिकेशन मिले आपको। ठीक, तो रस क्या है, रस के बारे में भरत मुनि ने क्या कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने क्या कहा, और फिर आप क्या कहेंगे रस के बारे में। क्योंकि रस का सीधा सीधा संबंध आपके भावों से होता है, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम पढ़ते हैं, और देखने सुनने और पढ़ने के बाद जो हमारे मन के अंदर जो हम फील करते हैं, हमें दुख होता है, हमें खुशी मिलती है, हमें हंसी आती है, यही, और जो उससे आनंद प्राप्त होता है, यही रस कहलाता है। ठीक, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, वीडियो को अंतिम तक ज़रूर देखें। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे रस क्या है, रस की परिभाषा। तो किसी काव्य को पढ़ने या सुनने में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। ठीक है, और रस को किसी काव्य की आत्मा भी कहा गया है। एक पाठक होता है और एक श्रोता होता है। जब वह किसी काव्य को पढ़ता है तो उसके मन में एक भाव उत्पन्न होता है, या किसी काव्य को जब वह सुनता है तो उसके मन में एक भाव उत्पन्न होता है, जिसे रस कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम एक मूवी देख रहे हैं, एक सीरियल देख रहे हैं, या क्रिकेट मैच देख रहे हैं, तो हम उसको देखते समय हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है, जैसे हम मान लीजिए कोई ऐसी मूवी देख रहे हैं जिसमें रानी लक्ष्मीबाई हैं और अंग्रेज़ों को मार रही हैं, तो हमारे मन के अंदर उत्साह पैदा हो जाता है, वीर रस उत्पन्न हो जाता है। और जैसे कि हम कोई ऐसा धारावाहिक देख रहे होते हैं कि वहाँ रोने की स्थिति है, कोई कष्ट की बात है, तो हमारे आँखों में आंसू आ जाता है। ठीक है, जैसे हम कोई कॉमेडी मूवी देखते हैं तो हम हंसने लगते हैं, तो कौन सा हमारे मन में हास्य रस आ जाता है, तो कौन सा रस होता है, हास्य रस होता है। तो बस यही है, आपको सब कुछ आता है। ये जो हिंदी व्याकरण का ये चैप्टर रस है, इसे आप भलीभांति दिन में यूज करते रहते हैं, दिन भर आपके मन में रस ही रस रहता है, तो बस उसी को आज हम पढ़ेंगे। रस, रस के अंग हैं विभाव, अनुभव, संचारी भाव, अस्थाई भाव। रस के प्रकार हैं, ठीक है, श्रृंगार, विभस, जुगुप्सा, क्रोध, उत्साह। ठीक है, तो इन्हीं को हम आज पढ़ेंगे। तो एक एक करके हम देखेंगे। रस की परिभाषा हमने बताई कि जिस काव्य को पढ़ने, सुनने, देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। मेरे प्रिय छात्रों, इस वीडियो का संपूर्ण पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसा कि रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व कहा जाता है, भरतेंदु मुनि द्वारा रस को सबसे पहले परिभाषित किया गया। उन्होंने अपने काव्य नाट्यशास्त्र में रस के बारे में सबसे पहले बताया। उन्होंने रस को 8 भागों में बाँटा था, किंतु आधुनिक कवियों ने और लेखकों ने रस को 11 प्रकार में बांट दिया। 2 और प्रकार जोड़ दिए गए, वात्सल्य और शांत रस। भरत मुनि ने लिखा, परिभाषा देते हुए रस के बारे में बताया कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जिसकी उत्पत्ति होती है वह रस कहलाता है। आचार्य धनंजय ने भी विभाव, अनुभाव और साहित्य भाव और विचारी भावों के संयोग को रस कहा। उसी तरह आचार्य रामचंद्र शुक्ला ने भी जिस भांति आत्मा के मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी भांति हृदय के मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। रस के अंग में हिंदी व्याकरण में रस के 4 अंग होते हैं, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थानीय भाव। विभाव वह कहलाते हैं जो व्यक्ति पदार्थ अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जागृत कर दे, वह विभाव कहलाता है। विभाव के 2 प्रकार हैं, अनुभव और उद्दीपन विभाव। ठीक इसी तरह अनुभव है, और मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार की
अनुभव कहते हैं। वाणी और अंगों के अभिनय द्वारा इसको प्रकट किया जाता है। मनोगत भाव को व्यक्त करने के लिए शरीर विकार को अनुभव कहते हैं। वाणी और अंगों के द्वारा रस के अनुभव को व्यक्त किया जाता है। इनकी संख्या 8 है। रस का संचारी भाव जो स्थानीय भावों के साथ संचरण करते हैं वो संचारी भाव कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 है। इसी तरह स्थाई भाव, स्थाई भाव का मतलब प्रधान भाव। प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचाता है। काव्य या नाटक के एक स्थाई भाव शुरू से आखिरी तक होता है। स्थाई भावों की संख्या शुरू में भरत मुनि द्वारा 8, फिर 9 और फिर आधुनिक या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 11 है। एक एक करके इनके प्रकारों को देखेंगे। श्रृंगार, हास्य, रौद, करुण, इन सभी को देखेंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। रस में हम बात करेंगे सबसे पहले श्रृंगार रस की। श्रृंगार रस का स्थाई भाव रति होता है। इसमें नायक और नायिका के प्रेम संबंधी और संबंध सौंदर्य संबंधी वर्णन होता है। एक उदाहरण देंगे और इसके बाद हम आपको समझाएंगे कैसे श्रृंगार रस। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोहे करें भौहें हंसें दें कहीं नहीं जाएं। श्री कृष्ण की मुरली गोपियां छुपा लेती हैं, लुका लेती हैं और फिर कहती हैं आइए आप हमारे पास ले लीजिए। और जब श्री कृष्ण गोपियों के पास अपनी बांसुरी लेने पहुंचते हैं तो वह देने से मना कर देती हैं और हंसने लगती हैं। यहाँ पर एक नायक और एक नायिका के बीच संयोग का वर्णन हो रहा है। जहाँ पर संयोग और वियोग दोनों का वर्णन होगा वहाँ श्रृंगार रस होगा। अगर नायक नायिका के मिलन का वर्णन होगा तो संयोग श्रृंगार होगा। अगर नायक नायिका के वियोग का वर्णन होगा तो वह वियोग श्रृंगार होगा। जैसा कि श्रृंगार रस के दो प्रकार हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार का पर्टिकुलर उदाहरण देखें जहाँ नायक नायिका के सौंदर्य और उनके मिलन संबंधी प्रेम का वर्णन होगा वहाँ संयोग श्रृंगार होगा। देखते हैं रामायण से यह चौपाई यह दोहा लिया गया है। राम का रूप निहारत जानत की कंगन नग की परछाई से जात सबय सुधि भूल गई कर टेक रही पल टारत नहीं। राम का रूप देखती हैं माता सीता देवी की पूजा करने आती हैं और राम जी फूल लेने गए होते हैं बाग में तो एक दूसरे की नज़र एक दूसरे पर पड़ती है तो राम को सीता जब देखती हैं तो देखती ही रह जाती हैं कंगन नग की परछाई से और उस समय वह सब कुछ भूल जाती हैं बस एक टकटकी लगाकर भगवान राम को देखती ही रहती हैं। तो यहाँ पर एक नायक और एक नायिका के मिलन का संयोग हो रहा है तो यहाँ संयोग श्रृंगार होगा। वहीं वियोग श्रृंगार की बात करें तो जहाँ नायक और नायिका के वियोग प्रेम संबंधी वियोग का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। आपको उदाहरण देके बता देता हूँ। हे खग हे मृग ये भी रामायण से लिया गया है। ये भी राम सीता के बारे में है। इस बार जब माँ सीता को रावण के द्वारा हरण करके लंका ले जाया जाता है उसके बाद श्री राम प्रभु उनको खोजने के लिए बन बन भटकते हुए जाते हैं तो हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। मतलब राम जी कहते हैं खग पक्षियों से बात करते हुए मृगों से बात करते हुए कहते हैं क्या तुमने हिरण जैसी सीता को देखा है। तो वही है हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। आपको यह कैसा लगा कमेंट पे जरूर बताएं। साथ ही अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं क्योंकि बेल आइकॉन दबाने से ही आपको हमारी हर वीडियो की अपडेट मिलेगी सबसे पहले। अब अगला रस देखेंगे हास्य रस। ऐसा रस जिसको या ऐसा जिसके पढ़ने के बाद सुनने के बाद देखने के बाद आपको हंसी आ जाए मज़ा आ जाए हास्य रस का स्थाई भाव होता है हास्य। इसके अंतर्गत वेशभूषा वाणी आदि की विकृति को देखकर मन में जो प्रसन्नता का भाव हंसने का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखेंगे बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोया किसी भी हाल में तेरा बाल न बाका होया। मतलब गंजा है उसके सर पे तो बाल होगा नहीं पर जो गंजा व्यक्ति है वह रो रहा है
कि मेरा बुरा समय है और मेरे बाल चले जाएंगे। तो ऐसी बात को सुनकर मज़ा आ जाता है। एक दूसरा उदाहरण देखेंगे। तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, सांझ मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप, राग में मारा गोता धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। मतलब एक प्रेम प्रताप जी हैं और तंबूरा लेकर बैठते हैं और राग लगाते हैं, लेकिन जो सुनने वाले श्रोता होते हैं वह सब चले जाते हैं। तो एक हंसी की बात हुई कि नहीं हुई, आपको मजा आया होगा, हंसी हुई होगी। तो यह कौन सा रस हो गया? हास्य रस। आगे देखेंगे रौद्र रस। इसका अस्थाई भाव होता है क्रोध, जब किसी एक पक्ष या एक व्यक्ति द्वारा दूसरे पक्ष या दूसरे व्यक्ति का अपमान करने अथवा उसे गुर्जन आदि की निंदा करने पर जो क्रोध उत्पन्न होता है उसे रौद्र रस कहते हैं। जैसे कि महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन चोम से जलने लगे, सब सील भूल अपना करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे सत्वरण में मृत पड़े, करते हुए घोषणा हो उठे खड़े। यह मैथिली शरण गुप्त जी की कहानी है। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ, श्री कृष्ण के सुन वचन, जहाँ किसी भी बात को सुनकर आपके क्रोध आ जाए, ठीक है। तो श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा हो गए उठकर खड़े। यह रौद्रश रौद्र क्रोध होता है, इसका स्थायी भाव क्रोध होता है। जब किसी काव्य काव्यांश को देखकर, कोई ऐसी घटना को देखकर आपके मन में क्रोध उत्पन्न हो जाए तो यह रस उत्पन्न हो जाता है। करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक होता है, किसी की मृत्यु हो जाए, कोई विनाशकारी घटना हो जाए, ठीक है, या एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से बिछुड़ जाए, दूर चला जाए, दुख हो, वेदना हो, तब यह रस उत्पन्न होता है, इसे करुण रस कहते हैं। करुण रस का उदाहरण, राम जी वनवास की ओर चले जाते हैं, दशरथ जी उनको याद करते हैं, हा रघुनंदन प्राण पिराते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। मतलब दशरथ जी कहते हैं कि हे राम, आपको देखे हुए बहुत दिन हो गया है, अब आपके बिना मेरे से जिया नहीं जा रहा है। ये करुण रस का एक उदाहरण है। एक और उदाहरण देख लीजिए, रखी रही रखवती हाथ सूल सी पीड़ा उर्पे दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित साप कथा पे कह न सके। यह शोक रस का उदाहरण है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो आपको सरल लगे, एक और मैं बता देता हूँ आपको। शोक विकल सब रोबहि रानी, शोक विकल सब रोबहि रानी, रूप सील वलु तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परिभूमि भूमि तल बारहि बारा, ठीक है। यह करुण रस का एक और उदाहरण है। तो आपको जो सबसे अच्छा लगे आप उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है, कम से कम दो, नहीं तो एक तो जरूर ही आपको याद करना है। चार नंबर की बात है, बहुत ही इजी है। अगला देखेंगे वीर रस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़ते पढ़ते ही सारे रस याद हो जाएंगे। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है, ठीक है। जब किसी रचना वाक्य आदमी वीरता जैसे स्थायी भाव की उत्पत्ति हो उसे वीर रस कहा जाता है। वीर रस के अंतर्गत जब युद्ध या कठिन कार्य को करने के लिए मन में जो उत्साह की भावना विकसित होती है उसे वीर रस कहते हैं। जैसे कि बुंदेलो हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी तो झांसी वाली रानी थी। यह वीर रस की कहानी है। इसको पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता है कि अब मैं भी तलवार उठा लूं और इंकलाब के लिए निकल जाऊं। तो यह वीर रस, वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। यह करने के बाद आपके मन में उत्साह उत्पन्न होता है, तो वीर रस की उत्पत्ति हो जाती है।
अगला रस देखेंगे अद्भुत रस। इसका स्थायी भाव आश्चर्य होता है। अद्भुत मतलब आश्चर्य, जो व्यक्ति के मन में विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं तो वह अद्भुत रस उत्पन्न हो जाता है। अद्भुत रस का एक उदाहरण देखेंगे, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को वह बनी अचेतन, हिल न समी की कोमल काया। श्री कृष्ण जी बचपन में एक बार माँ को ने उनके बोला कि आप माटी खाए हो बेटा, मुँह खोलो। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने मुँह खोला तो उनके मुँह के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड पृथ्वी आदि को देखकर उनकी माँ थोड़े समय के लिए अचेत अवस्था में आ गई, और यह सब देखकर उनको समझ में नहीं आ रहा और उनके मन अचेत हो गया। ठीक है, मतलब उनको होश ना रहा और यह एक जगह पर स्थिर हो के ही उनकी जो शरीर था, कोमल काया थी, वह स्थिर रही। विभत्स रस, इसका उदाहरण देखते हैं। विभत्स, इसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है या घृणा, मतलब जहाँ जिस बात को देखकर आपके मन में घृणा उत्पन्न हो जाए, उसके विचार संबंध को सुनकर मन में घृणा या ग्लानी सी फील होने लगी आपको, तो वहाँ कौन सा रस होगा? विभत्स रस। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा होता है। जैसे कि देखते हैं उदाहरण, सिर पर बैठियो काग आँख दो खात निकारत खींचत जीव असार, अति आनंद उर्धारत, जी गीध जांध की खोदी खोदी के मांस उखारत, स्वान अंगूरी काटी काटी के खात विदारत। ये जहाँ पर मांस मछली खाने की बात होती है, मन में अजीब सी भाव उत्पन्न हो जाता है। एक और उदाहरण देते हैं, आँख निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, सब जीव खींच कर कौवे चुबला चुबला कर खाते, भोजन में स्वान लगे, मुर्दे थे भू पर लेटे, खा मांस चाट लेते, चटनी स्वयं बहते बेटे। तो मांस खा रहे हैं जमीन में चाट के, तो एक घृणा का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो जहाँ घृणा का भाव होता है वहाँ पर विभत्स रस की उत्पत्ति होती है। अगला देखेंगे भयानक रस। इसका स्थायी भाव भय होता है। जब किसी भयानक या बुरे व्यक्ति या वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन करने, किसी दुखद घटना का स्मरण करने से मन में जो व्याकुलता अर्थात परेशानी उत्पन्न होती है उसे भय कहते हैं। उस भय के उत्पन्न होने से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। उदाहरण देखेंगे भयानक रस का, एक ओर अजगर है, दूसरी ओर शेर, बीच में खड़ा राहगीर, इतना भयभीत हुआ कि बेहोश होकर गिर पड़ा। ठीक, तो ये इसका उदाहरण है कि एक ओर अजगर है, दूसरी ओर शेर। बताइए, आप जा रहे हो रास्ते में, बीच में खड़े हो जाओ, एक ओर अजगर दिखे, दूसरी ओर शेर, तो आपको अंदर में डर उत्पन्न हो जाए, भय, तो कौन सा रस हो जाएगा? भयानक रस। फिर से देखिए, एक ओर अजगर है, दूसरी ओर शेर, बीच में खड़ा राहगीर, इतना भयभीत होकर कि बेहोश होकर गिर पड़ा। या दूसरा देखें, चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ठीक है, एक शिक्षक अपने छात्रों को समझाते हुए कहता है कि बेटा पढ़ लो, नहीं तो ये चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो उस छात्र के मन में एक भय का भाव उत्पन्न होता है। अगला है शांत रस। इसका स्थायी भाव निर्वेद उदासीनता होता है। मोक्ष और अध्यात्म की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है उसे शांत रस नाम देना संभव है। इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार में वैराग्य होने पर, परमात्मा वास्तविक रूप का ज्ञान होने पर मन में जो शांति मिलती है शांत रस की उत्पत्ति होती है, जहाँ ना दुख होता ना द्वेष। उदाहरण देखें, शांत रस का सबसे प्यारा उदाहरण देखते हैं, अब लो न सानी अब ना नसानो, अब लो नसानी अब ना नसई हो। दूसरा उदाहरण देख लें, मन रे तन कागज का पुतला, लांगय बूंद बिनसु जय छिन में, खरब
करे क्या इतना, कबीर जी का दोहा है। तो ये शांत रस का उदाहरण है और सबसे फेमस और कई बार पेपर में आने वाला वात्सल्य रस। इसका स्थायी भाव अनुराग होता है, माता का पुत्र से प्रेम, बड़ों का बच्चों से प्रेम, पिता का पुत्र से प्रेम, गुरुओं का शिष्य के प्रति प्रेम, छोटे भाई का बड़े भाई से प्रेम, इसे वात्सल्य रस कहते हैं। इस भाव स्नेह की जब पुष्टि होती है तो वात्सल्य रस उत्पन्न होता है। इसका सबसे प्यारा उदाहरण देखें वात्सल्य रस का, तो जसोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। और भी उदाहरण देखें वात्सल्य रस के, किलकत कान्हा घुटुरन आवत, मनि कनक नंद के आंगन विदम्ब परिवे धावत। ठीक है, तो सबसे अच्छा उदाहरण तो मुझे यही लगता है, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो ऐसे आप भी इनको याद कर सकते हैं। रस बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, आपके मन में किसी काव्य को पढ़ते सुनते देखते समय जो आनंद की अनुभूति हो जाए, जिस रस की अनुभूति हो जाए, वह रस कहलाता है। जिस भाव की अनुभूति हो जाए वह रस कहलाता है। ठीक है।